नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता सात्विक रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की मेरी रेसिपी है दही के सोले। ये परफेक्ट किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और इवनिंग स्नैक्स है। आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं बस कुछ चीज़ों के साथ। देखने और खाने दोनों में लाजवाब होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दही के सोले। दही के सोले के लिए हमें हंकट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में स्टेनर रख दिया था और उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक कॉटन का कपड़ा रख दिया और उसमें मैंने एक बॉल दही डाल दिया था। जब दही का सारा पानी निकल गया तो उसके बाद इस तरीके से मैंने कपड़े में उसको निचोड़ दिया है। सारा पानी हमें दही का निकाल देना है। ये देखिए, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। इसी तरीके से स्टेनर के ऊपर दही को डाल के कपड़े में, और उसके बाद इस तरीके से जब सारा पानी निकल गया तो ये हंकड़ हमें तैयार मिला है। इससे जो पानी निकला है आप उससे ढोकला, सूजी की इडली, कुछ भी बना सकते हैं, सब्जी में यूज कर सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। अब इस दही में, हंकड़ में, मैं बारीक कटे हुए गाजर डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें मैंने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है, धनिया का पत्ता, और उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और इसमें मैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए अदरक और बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैंने बारीक पीसी हुई काली मिर्च डाली है और साथ ही इसमें मैं कुछ चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच, और इसमें मैंने नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी स्टफिंग तैयार होती है, बहुत लाजवाब इसका स्वाद होता है। आप इसको सैंडविच में भी ब्रेड के अंदर डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ब्रेड में स्टफ करेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड के चारों साइड जो ब्राउन पोर्शन होता है उसको नाइफ से कट कर लिया है इस तरीके से। तो ये मैंने जितने भी मैं ब्रेड ले रही हूँ उसके साथ मैंने ये कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मैदे और पानी का एक लिक्विड तैयार, यहाँ पे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और बेलन से मैं उसको बेल रही हूँ। इस तरीके से मैं चारों तरफ से उसे बेल लूँगी और उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से बेलना है। और उसके बाद अब मैं इस चारों तरफ जो मैंने पानी और मैदे का एक लिक्विड बनाया था उसको मैं चारों तरफ कॉर्नर पे लगा रही हूँ। साइडों में लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है। और उसके बाद बीच में एक चम्मच स्टफिंग डालकर जो मैंने हंकड़ के साथ बनाया है उसको डाल के मैं इसको रोल कर रही हूँ। एक कॉर्नर से उठा के दूसरी कॉर्नर की तरफ ले जाना है और उसके बाद दोनों जो पोर्शंस हैं उसको हम सील कर देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैदे और पानी का हमें जो लिक्विड तैयार किया है वो लगाना है ताकि बिल्कुल आपस में ये चिपक जाए। तो इस तरीके से इनको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से हम स्टफिंग डाल के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड के साथ करना है। अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें अच्छे से इनको चारों तरफ से सील कर देना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक और करके दिखा रही हूँ। ब्रेड को मैंने पहले बेलन से बेल लिया है और उसके बाद चारों तरफ मैदे और पानी का जो लिक्विड तैयार किया था वो डाल दिया है और बीच में हंकर्ड की स्टफिंग डाली है। और उसके बाद एक कॉर्नर से उठा के मैं रोल करते हुए दूसरे कॉर्नर से इसको मिला रही हूँ और उसके बाद चारों तरफ से हम इसको सील कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से करना है। मैदे और पानी का घोल लगाते हुए हमें इसको बिल्कुल अच्छे से सील कर देना है। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है ताकि हम जब इसको फ्राई करें तो ये खुल ना जाए। ये देखिए, ऐसे तैयार हो जाएंगे ये। और ये देखिए, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। तो एक बार तेल में डालने से पहले आप चेक कर लें चारों तरफ इनको अच्छे से मैदे से, पानी से जो हमने लिक्विड तैयार किया है अच्छे से लगा के सील कर दें। और उसके बाद हम इनको तेल में डाल देंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, तो तेल में डालने से पहले एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। ये देखिए,
और इस तरीके से दोनों तरफ से हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं ये। ये देखिए अब ये भी तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इनको भी निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम जितने भी बना के हमने रखे हैं वो सब हम फ्राई कर लेंगे। बहुत लाजवाब बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं और स्टफिंग इनकी बहुत सॉफ्ट और बहुत लाजवाब बनती है। किसी भी पार्टी के लिए आप बना सकते हैं इनको। ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, अब इनको मैं कट करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेंटर से हम इनको कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप सारे कट करके सर्व कर सकते हैं। देखने में खाने में दोनों में बहुत लाजवाब होते हैं। मैं और कट करके आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल बीच से इनको कट करना है। आउटर लेयर इनकी बहुत क्रिस्पी होती है। ये देखिए और सारे कट करके हम इनको सर्व करेंगे। इनको आप अपनी पसंद की चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं किसी भी बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या इवनिंग स्नैक्स में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो से आप जुड़े रहें। जल्दी मिलती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।